वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉइड फोन पे एपेक्स लीजन मोबाइल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है एंड इसके बाद कैसे इसे खेलना है। सो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी यहाँ पे एपेक्स लीजन मोबाइल ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल है। एंड अगर आप यहाँ पे इंडिया में रहते हो तो आपको ये गेम तो देखने को मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पे इंस्टॉल के लिए ये गेम अवेलेबल नहीं है अभी। मतलब आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने एंड्रॉइड फोन पे। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप यहाँ पे इंडिया में रहते हुए इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसके बाद कैसे इसे खेल सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने फोन पे एपेक्स लीजन मोबाइल को इंस्टॉल कर रखा है एंड यहाँ पे मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपेक्स लीजेंड्स एंड इसके बाद मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पे हमको गेम देखने को मिल जाता है एंड इसके सारे सारे ऑप्शंस को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है एंड पूरा गेम अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे हम मैच में भी जा सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट में जाके दिखाऊंगा। सो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉयड फोन पे। तो एपेक्स लीजेंड मोबाइल को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एपीके एंड ओवी फाइल्स को एंड एपीके एंड ओवी फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वहाँ पे टोटल तीन चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला आपको एपीके मिल जाएगा एक एंड इसके बाद आपको वहाँ पे दो ओवी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। तो दोनों ओवी फाइल्स को आपको अपने फोन पे सेव कर लेना है, तो मतलब टोटल तीन चीज़ें मिलेंगी। तो तीनों फाइल्स को आपको यहाँ पे अपने फोन पे डाउनलोड करके सेव कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन आप चालू करते हैं कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एपेक्स लीजन मोबाइल को अपने फ़ोन पे अनइंस्टॉल कर दूंगा, मतलब इसे डिलीट कर दूंगा बेसिकली एंड इसके बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसे डिलीट कर दिया अपने फ़ोन से, अनइंस्टॉल कर दिया है। इसके लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए यूज करेंगे जेड आर्चीवर को, जिसे आप बेसिकली प्ले स्टोर में फाइंड कर सकते हो एंड इसका लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड इसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है उस फोल्डर में जहाँ पे भी आपने एपेक्स लीजन मोबाइल का एपीके एंड ओवी फाइल्स को सेव कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसपे मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एपेक्स लीजेंड मोबाइल हमको देखने मिल जाता है, एपीके देखने मिल जाता है एंड इसके बाद दो ओवी फाइल्स आपको देखने मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका एपेक्स लीजेंड मोबाइल का एपीके आपको देखने मिल जाता है उसे आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग हो रहा है एंड एपीके को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन नहीं करना है, आपको इसे डन करना है। मतलब एपीके जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको इसे ओपन नहीं करना है, आपको इसे डन करना है। सो एपीके को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो दो ओवीवी फाइल्स देखने मिल जाती है उन्हें आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे बेसिकली थ्री डॉट्स में एंड इसके बाद मल्टी सेलेक्ट को एक क्लिक करेंगे एंड इसके बाद दोनों ओवीवी फाइल्स में यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको किसी एक फाइल पर लॉन्ग टाइप करके यहाँ पे कॉपी कर लेना है इसे एंड इसके बाद हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे बैक जाना है एंड इसके बाद एंड्रॉयड के फोल्डर में जाना है एंड इसके बाद ओवीवी फोल्डर में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन में जाना है एंड इसके बाद न्यू फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमारा com.ea.gp.apexlegendsmobile.fps। सो इस नाम का एक फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है एंड अगर आपको ये फोल्डर पहले से ही देखने को मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया है एंड फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली इस फोल्डर में चले जाना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो ओवी फाइल्स आपने कॉपी किया हुआ है उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसमें क्लिक करोगे तो आपको जो बेसिकली ओवी फाइल्स है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो पेस्ट करने के बाद आपका जो 100% इंस्टॉलेशन है एपेक्स लीजेंड मोबाइल का वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे गेम को ओपन कर सकते हो। बट ओपन करने से पहले आपको एक वीपीएन को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थंडर वीपीएन को, क्योंकि हमारा जो गेम है वो यहाँ पे इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है एंड इसीलिए अगर आप यहाँ पे बिना वीपीएन के इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एरर शो करेगा, जो कि रहेगा बेसिकली दिस गेम इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एरर शो करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे वीपीएन की हेल्प से इसे एक्सेस करेंगे एंड यहाँ पे हमको थंडर वीपीएन के अंदर फ्री में सिंगापुर का वीपीएन देखने को मिल जाता है। तो आप बेसिकली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में आपको देखने को मिल जाता है एंड लिंक में आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली इसे ओपन करोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे ऐड आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो इसे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एंड इसके बाद आपको सिंपली कनेक्ट में क्लिक करना है एंड इसके बाद इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पे फ्री में अनलिमिटेड सिंगापुर का वीपीएन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वीपीएन कनेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो की हमको देखने को मिल जाती है, तो मतलब वीपीएन कनेक्टेड है एंड इसके बाद हम यहाँ पे एपेक्स लीजेंड मोबाइल जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा एंड इसके बाद कुछ परमिशंस लेगा, तो आप सिंपली परमिशंस को अलाउ कर दो एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन देखने को मिल जाती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो गेम है लोड हो रहा है, एंड इसके बाद मैं वॉल्यूम अप कर देता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो भी आपको देखने मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अपडेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज आपको 34 MB देखने मिल जाता है। तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो रिसोर्स लोडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद सिंपली आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू करते हैं, एंड इसके बाद एग्री करेंगे। एंड यहाँ पे आपको दो लॉगिन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप गूगल या फिर जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली गूगल के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक जीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे अपना जीमेल सेलेक्ट कर सकते हो, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन में क्लिक कर देना है। और इसके बाद फाइनली आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे गेम के अंदर आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल करके खेल सकते हो। सो अभी मैं आपको यहाँ पे मैच के अंदर जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे गेम के अंदर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे हमारा जो सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है, सारे कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड पिंग भी आपको यहाँ पे सही देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगापुर काफ़ी क्लोज है इंडिया के, तो आपको यहाँ पे सिंगापुर का VPN जो है वो काफ़ी अच्छा पिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे गेम को अच्छे से खेल पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गन नहीं है, तो यहाँ पे मैं भाग रहा हूँ बेसिकली। सो यहाँ पे हमको गन मिल चुकी है। सो गेम को आप बेसिकली FPP या फिर TPP किसी भी मोड पे खेल सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम यहाँ पे FPP में स्विच कर चुके हैं, एंड इसके बाद थोड़ा सा फाइट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंदे आपको देखने मिल जाते हैं।